तुर्की के 7 सूबे हैं और इजमिर इजिंग की इलाके से है, जो समंदर से दहके हुए है। मगरबी तुर्की का शहर है। इजमिर कई सालों से ग्रीस की कंट्रोल में था, इसी वजह से आपको यहाँ पर ग्रीस की कल्चर और तारीख नजर आएगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, शुक्र अल्लाह का। मैं भी ठीक हूँ। आज हम कहाँ पे, द मॉडर्न सिटी ऑफ तुर्की इजमिर में आ गया। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। इजमिर का नाम मैंने काफ़ी सुना, इवन जब मेरी यूनिवर्सिटी का एडमिशन पहले इजमिर सिटी में था, लेकिन मैंने इजमिर नहीं पाकिस्तान चूज़ करके पाकिस्तान गई थी। इसलिए इजमिर मेरे लिए थोड़ी सी अलग है। आज मैं भी आप लोगों के साथ इजमिर डिस्कवर कर लूँगी। ये मेरे पीछे तकसीम नहीं है, आप लोगों की इतना रश है, बहुत लंबा स्ट्रीट है। ये भी इजमिर की सबसे मशहूर स्ट्रीट है, अलसंजाक स्ट्रीट। अभी हम इजमिर आप लोगों के साथ डिस्कवर कर लेंगे। लेट्स स्टार्ट अवर इजमिर व्लॉग। हाँ, एक और बात, इजमिर अपने म्यूजिक की वजह से भी बहुत मशहूर है। यार, हमको बहुत ही भूख लगा, खाने के लिए जा रही थी। मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ, ये देख, गर्मी से ये भी बहुत ज़्यादा थक गया है। क्या हुआ, आपको भी भूख लगा? आ जाओ मेरे साथ, आपको भी खाना देती हूँ। आ जाओ आ जाओ, अभी हम जाके थोड़ी सी खाना खाएंगे। इरेज वगैरह मैं आपको दिखाऊंगी। आई डोंट नो क्या खाओ, क्योंकि बस सुबह थोड़ी बहुत नाश्ता किया था, उसके बाद अभी 5-6 बजने लगी है, सॉरी नॉट 5-6 बजने लगी है। लेट्स ईट समथिंग नाउ। बहुत सोचा खाने के लिए, डिनर खाना है। मैं और खोला क्या सुना, काफ़ी ज़्यादा लोग तो उसने कहा इसके अंदर डोनर सब इधर मिल गया, अभी डोनर खाएंगे। भाई भी रेडी कर रही है। आई थिंक मैं गोश्त डोनर लेती हूँ, बहुत अच्छा लगता है ये। रख के अंदर पोर्शन फिर उससे एक पे करो से फिर। अच्छा, सने ऐसा था यार, इसके अंदर यार बु एक जातन पोचता रखी नहीं है, इसमें तो बुलामासी। अभी हमारी आयरन आया, मैं आयरन के अलावा कुछ अभी फ़िलहाल दीज दीज ड्रिंक्स नहीं पीती हूँ। खाना भी आ रही है, हम वेट कर रही है। आप लोगों की बहन इस गर्मी में मर रही है, क्योंकि बहुत गर्मी है। मैंने चेक किया, लिखा है थी कि 27 डिग्री, बट आई थिंक इट्स नॉट द 27। आ गया हमारी इस्केंडर। इस्केंडर मैंने आपको काफ़ी बताया था, अभी भी इधर भी बताती हूँ। ये है हमारी नीचे ब्रेड, ब्रेड के ऊपर एक टोमाटो वाला सॉस, उसके ऊपर गोश्त, उन साइड में दही। इधर भी है हमारी डोनर, डोनर भी बिल्कुल तुर्की स्टाइल है। इसके अंदर आपको तुर्कीश राइस मिलेगा और उसके साथ ब्रेड है। वाह, ये राइस बहुत मज़े का है। ये है इजमिर का सबसे मशहूर जगह, सबसे मशहूर दो जगह है, एक है अलसंजाक, दूसरा जगह है कोर्डोन। आप लोग अभी सोचेंगे यार इतना लाइन इधर क्यों लगी हुई है। इजमिर में एक स्वीट मशहूर है, उस स्वीट का नाम है बोम्बा, लाइक इजमिर बोम्बा। अभी हम भी ट्राई कर लेंगे, मैं भी अभी इधर आती हूँ। ये तो मैं नहीं कहना चाहती हूँ तुर्कियान तुम इजमिर तक आ गया, लेकिन इजमिर की ये मशहूर स्वीट नहीं खाया। अभी मैंने भी अंदर जाके यही इजमिर बोम्बा खानी है। इधर बहुत ज़्यादा लाइन है, क्योंकि आई थिंक स्टार्टिंग तो इधर ही हुई है। अभी मैं अंदर जाती हूँ, ट्राई करूँगी, आप लोगों को भी दिखाती हूँ इजमिर की फेमस स्वीट। अभी मैं लाइन में हूँ, लाइन तो काफ़ी है, छोटी सी दुकान है। आई डोंट नो इतना ज़्यादा लोग इसके लिए क्यों वेट करते हैं। फोचे में वो लोग दो आइसक्रीम के लिए वेट करती थी, इधर भी कोई और स्वीट के लिए इजमिर का लोग बस वेट कर रहे हैं। समझ नहीं आया मुझे। लेट्स सी, मैं ट्राई करूँगी, खाने के बगैर नहीं जाऊँगी, इधर तक आया तो ट्राई करना है। फाइनली 6 मिनट के बाद हमारी बड़ी आया, इससे वो उनका फेमस ऐसे ही है। ये चिली वाला है, ये कैरमल वाला है। बिछाने चकोला थलो, बिछाने दे ब्याज चकोला थलो। ये है उनकी, आई डोंट नो, लेट्स सी, ट्राई करूँगी। बहुत सुना मैंने, बहुत फेमस है, अभी ट्राई करके हम देखेंगे। ये लोग बहुत
बहुत सेल हो रही है और मेरी पीछे वाला लाइन अभी भी है। पीछे कॉल चलो पहले ब्याज कॉल चलो। हमारी बोम्बा आया, बाकी इसका नाम है बोम्बा, लाइक इजमिर बॉम्ब आप ऐसा सोच लो। ये बहुत गर्म है क्योंकि चॉकलेट वाला नया निकल गया, मैं अभी ट्राई करती हूँ। लेट्स सी इज इट वर्थ इट और नॉट। और ये लोग बस ओवर रेटेड ऐसे ही खा रही है। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, बट शायद मेरी टेस्ट नहीं है। बट इजमिर का फेमस स्वीट ये इजमिर बॉम्ब है, अगर इधर आना है ज़रूर ट्राई कर ले, शायद आप लोगों की टेस्ट से मैच हो जाएगा। यार अभी हमने स्वीट खाया, ये नहीं है कि मैं तुर्की का सारी खाना आप लोगों का हाँ हाँ अच्छा अच्छा दिखाओ। अच्छा अच्छा होती है, बुरे बुरी होती है, ये कई भी जगह में मैं ऑलवेज ऑलवेज ऑनेस्ट रिव्यू देती हूँ आप सबको। अभी हम इधर एक बहुत लंबा स्ट्रीट है, उन्होंने कहा एग्जैक्टली इस्तांबुल में तकसीम होती है ना, बहुत मशहूर है इधर का भी ये स्ट्रीट मशहूर है, ऐसे डिस्कवर कर रही है। इजमिर के बारे में दो तीन इंफॉर्मेशन देती हूँ। आज इजमिर में तैयार हमको गाइड करेगा क्योंकि दो साल तैयार इजमिर में रहा, वो हमको कहती है हम उसको फॉलो करके जा रही हैं। एक और चीज़ भी है इजमिर के बारे में, आपको इधर ओल्ड पॉपुलेशन नहीं मिलेगा, सारी यंग जनरेशन है, क्योंकि ज़्यादातर यंगेस्ट इन तुर्की इजमिर में आके या स्टडी इजमिर में कर रही है या काम होती है ना वो भी इजमिर में करती हैं। हम जब बचपन में हैं, आप लोगों की कंट्री में भी होता होगा, एक शहर की एक स्पेसिफिक चीज़ होती है। ज़्यादातर मुस्लिम लोग भी इजमिर के बारे में ये कहती हैं कि इधर नॉन मुस्लिम लोग बहुत ज़्यादा रहती हैं और ये लोग बहुत ज़्यादा यूरोपियन हैं। बाय द वे ऐसा है, अगर इजमिर में आना है तो आपको पता ही चलेगा कितना यूरोपियन कल्चर इधर चलती है। चाइल्ड आए सारे कह रही कि आपका चैनल कौन है, आप क्या कर रही है, सलाम सलीम बारे। ऐसे गली में एक भाई मिला एंड ही इज डिसेबल्ड, बट वो खुद ही एबिलिटीज दिखा के इधर पैसा कमा रही है, इवन बहुत अच्छा उसने चला दिए। लोग भी उसके हेल्प करने के लिए इधर पैसा डाल के उसको हेल्प करती है। अमीर अली इजमिर में ऐसे पैसा कमाती है म्यूजिक में। अमीर अली की इंस्टाग्राम चैनल में नीचे ज़रूर लाइक शेयर करूँगी, अमीर अली को फॉलो कर दे। थैंक यू सो मच, योर म्यूजिक वॉज अमेजिंग। ये कहा था ना मैंने, यंग जनरेशन बहुत ज़्यादा है, ऐसे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स आके म्यूजिक बचा के पैसा कमा देती हैं एंड देयर आल्सो वन ऑफ द। मेरे लिए डिफरेंट कल्चर है, एरिया अच्छा है, बहुत रौनक है। आप लोग इधर आके इजमिर भी ज़रूर विजिट कर ले। और इजमिर के बारे में एक और चीज़ बताओ, हम सब बचपन से सुनती है इजमिर की लड़की भी बहुत खूबसूरत है, ये भी इजमिर की फेमस चीज़ आती है, मैं ऐसा इधर भी बता दिया। अभी आगे चले जाती है क्योंकि इधर एक जगह है वो सी साइड है, इनका बहुत मशहूर है। ये स्ट्रीट है इजमिर की क्लब स्ट्रीट है एंड अभी तो इधर इतना ज़्यादा लोग नहीं है, रश नहीं है, आप देख सकती हैं। जब 9 बजे होती है, 9 बजे 10 बजे म्यूज़िक बजाना स्टार्ट होती है और इधर ये लोग पार्टी कर रही है। इधर फॉरेनर्स प्लस इजमिर के लोग बहुत ज़्यादा हैं। अभी हम ये सिटी से गुजर के समंदर की तरफ जा रही है। इधर लिखा है कि दरू के लिए हमको पैसा चाहिए, आई डोंट नो क्यों इनके कपड़े। और हरा तो अपने बिल्डिंग में, मैंने कहा आप लोगों ने पैसा कलेक्ट किया, उन्होंने कहा हाँ थोड़ी थोड़ी कलेक्ट किया। ये लोग भी दरू के लिए इधर पैसा मांगती हैं, दे आर सो ऑनेस्ट बाय द वे। अभी ये रास्ता की एंड है समंदर वाला, ये उसका नाम है इजमिर कॉरिडोर, वो भी बहुत मशहूर जगह है इजमिर में। अभी मैं उधर ही जाती हूँ, यही समंदर सनसेट भी हो रहे हैं, मैं आप लोगों का सनसेट भी दिखाती हूँ। इधर ही का फील
बहुत अलग है, इस्तांबुल से स्पेशली बहुत अलग है। कहना है तुर्की इस्लामिक कंट्री है, ये तुर्की का कल्चर नहीं है, ये क्यों ऐसा हो गया, तुर्की में क्यों ऐसा है। मैं एक चीज़ आप लोगों के साथ क्लियर करूं, तुर्की इज सेकुलर कंट्री, इस्लामिक लोग भी हैं हमारे जैसे, स्कार्फ करने वाला भी हैं, बट नॉर्मल छोटे स्कर्ट पहनने वाला भी आप लोगों को इधर ही मिलेगा। लोगों की कपड़े से जज ना कर दे, क्योंकि तुर्की ऐसे कंट्री बन गए कि इधर सेकुलर भी रहती हैं, मुस्लिम्स भी रहती हैं, यूरोपियन स्टाइल से भी लोग रहते हैं और एशियन कल्चर में भी अभी लोग रहती हैं। कोई भी किसी को कुछ नहीं कहती है, ना कोई इधर आके मेरी स्कार्फ को कुछ कह सकती है, ना मैं जाके उनके कपड़ों में कुछ कह सकती हूँ, इधर अभी ऐसे ही चलती है। अगर इज़मिर आ गया, उनका तो मशहूर खाना खा के जानी है। इनका मशहूर तो खाना क्या है, भाई भी इधर खाना पकाती है। ये इज़मिर यूट्यूब चिकन अथाई है, ये चिकन हथाई दम अथाई, भाई इधर खुमरू बना रही है, इनका ये मशहूर है। ये सोसेज है, मैं नहीं की खुमरू वाला भी दिन में अभी हम भी थके तो उसमें सामान ये ऐसे बनाती है, मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत गर्मी है, आई डोंट नो भाई कैसे बर्दाश्त करती है। हमने हमारे खाना आया टोटल 120 टर्किश लीरा लगा। इधर भी सनसेट हो रही है, सारे लोग इधर आके यही सनसेट देखती हैं। अभी हम उधर ही जाके ग्रास के ऊपर बैठ के हमारे खाना खाएंगे, बिकॉज दिस इज़ द स्टाइल ऑफ इज़मिर लोग। मैं भी अभी एक एक्सपीरियंस करूँगी। ये देख सारे लोग इधर आ गया है, ये है चेकिर डेक। मैं आप लोगों का हमारी थोड़ी सी तुर्की तुर्किश कल्चर के बारे में भी बात करूँ। खुदा क्या सुनाब है विश्वना बखी में, ये है सान सीरे योग चेकिर बखीम चेकिर डेक, ये है अली में बिरास ये है हमारी सन सीरम। इधर आप लोग बैठ के हम जब गपशप करती हैं ना, यही खाती हैं। ये बहुत ज़्यादा तुर्किश लोग खाती हैं, ऐसे सारे लोग दोस्तों के साथ आके यही चीज़ें खरीद के इधर बैठ के गपशप भी करती हैं, ये भी खाती हैं। हमने भी इधर आया, सारे लोग मेरे पीछे आपको नज़र आएगा। एक साइड है उन्होंने तुर्किश टी लेके आके इधर गपशप कर रही है, एक साइड है उन्होंने दारू लेके दोस्तों के साथ पी के गपशप कर रही है। हम भी हमारी खाना लेके आए हैं, इज़मिर का मशहूर यही इज़मिर कुमरू, हम इसको ट्राई कर लेंगे। मैं उधर दिखाने के टाइम भी आपको दिखा दिया लाइक वो लोग कैसे बनाती हैं। ये है दो सैंडविच ब्रेड की अंदर सॉसेजेस, इसके ऊपर चीज़ और उसके ऊपर भी टोमेटो है, कोई वो केचप वगैरह नहीं, ये उन्होंने एक्स्ट्रा हमको ऐसे शॉपर के अंदर दिया। अभी मैं ट्राई कर रही हूँ, वाकई बहुत मज़ा आया, इसलिए इज़मिर में ये मशहूर है, मुझे बहुत अच्छा लगा। स्पेशली ये अंदर लंबा लंबा सॉसेजेस है ना, ऐसे दिखाते हैं, स्पेशली ये सॉसेजेस मुझे बहुत अच्छा लगा। यार क्या बताओ, यलोवा में जिंदगी 9 बजे 10 बजे कम से कम ख़त्म होती है, इधर 9 बजे इनका डे नाइट अभी स्टार्ट हो रही है। इन्होंने ड्रीप की जैसे थीम बनाया है, अंदर की आवाज़ से शायद मेरी आवाज़ नहीं आया होगा, ये लोग आई थिंक डॉक्टर है यार,
गिट दुखी क्या क्या डॉक्टर का कॉन्सेप्ट बनाया इन्होंने, सारी जगह का थीम अलग है। अच्छा मैंने आप लोगों का दिखा दिया इजमिर की मेन सिटी, लेकिन इसके अलावा भी इजमिर में बहुत ज़्यादा टूरिस्टिक जगह है। इधर भी आप लोगों से तुर्की से लोग फॉरेनर्स मिलेगा, वो भी है इजमिर की बीच साइटें, वो होगा चश्मे, उसके बाद खेमर, उसके बाद फोचा। यही एरिया में भी जब समर्स होती है ना, सब लोग उधर वोकेशन के लिए जाती हैं। लेकिन मैं आपको यही कह सकती हूँ, अगर आप लोगों ने इजमिर में आया, ज़रूर वही टूरिस्टिक जगह भी विज़िट कर ले, लेकिन ये जगह भी विज़िट कर ले, आप लोगों का बहुत अच्छा लगेगा। ये देख, मुझे लगता है कि आई थिंक यही जगह तकसीम से भी बहुत ज़्यादा लोग हैं अभी भी। ये गली देख, ये गली के अंदर ये लोग म्यूज़िक के साथ खाना देती हैं और बहुत रश होती है। हमने हमारी इजमिर व्लॉग की एंड में आए। अगर आप लोगों ने ऑल ओवर मेरी एक्सपीरियंस के बारे में पूछने, मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि इधर बहुत ज़्यादा मुझे सुकून मिला, लोग बहुत ज़्यादा खुश है, ऐसे ना डिप्रेशन ना टेंशन, इसलिए मुझे इजमिर बहुत अच्छा लगा। इजमिर के हिस्टोरिकल पार्ट्स भी है और उसके बाद वोकेशन के एरियाज भी हैं। आज हमने बस इजमिर के मेन जगह डिस्कवर कर लिया। अभी हमने होटल ढूंढना है क्योंकि हमारी 9 बजे फ्लाइट है, 7 बजे हमने होटल से निकलना है। अभी होटल ढूंढ के हम जा रही है। आई होप यही वीडियो आप लोगों का अच्छा लगा होगा। सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक द वीडियो। अगर आप लोगों ने यही वीडियो पसंद आएगा, हम इजमिर के पार्ट 2 में वापस व्लॉग में आएंगे। आप सब लोग आपका ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। बहुत बहुत शुक्रिया।